राज्यपाल ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह को हटा दिया है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली DDC ऑफिस को भी सील किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। DDC दिल्ली सरकार के लिए नीति आयोग की तरह काम करता था। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से आरोप लगाया गया कि जैस्मिन शाह CM अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग कर रहे थे। दिल्ली के LG वीके सक्सेना के आदेश के मुताबिक दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के 33 श्यामनाथ मार्ग स्थित कार्यालय को सील किया जाएगा। आयोग के सभी वाहनों और कर्मचारियों को वापस लिया जाएगा। LG वीके सक्सेना ने CM अरविंद केजरीवाल को जैस्मिन शाह को DDC उपाध्यक्ष के रूप में काम करने और किसी भी तरह के विशेष अधिकार और सुविधाओं का उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया है। जब तक कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ये फैसला नहीं लिया जाता। उपराज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के नियोजन विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया था। सरकार के मुताबिक DDC फिलहाल कई और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें यमुना की सफाई और ड्रेनेज के नए ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।